आपके फोन पे एक मैसेज आता है जिसे देख के आप एकदम शॉक हो जाते हैं, क्योंकि बिना किसी को ट्रांसफर किए आपके अकाउंट से हजारों रुपए ट्रांसफर हो जाते हैं बिना किसी को ओटीपी दिए। हाउ इज दिस पॉसिबल? है, पॉसिबल है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पेटीएम केवाईसी के बहाने आपके साथ हजारों रुपए का फ्रॉड हो सकता है, उसकी पूरी प्रोसेस, पूरी डिटेल बिना किसी को ओटीपी शेयर किए भी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अंत तक वीडियो जरूर देखें। अगर पहली बार देख रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं नितिन चौहान आज फिर एक नई सोच के साथ। सबसे पहले आपके मोबाइल में एक मैसेज आएगा, पेटीएम केवाईसी अपडेट के नाम पे एक मैसेज आएगा। थोड़ी देर बाद किसी एक बंदे का कॉल आएगा जो आपसे कहेगा कि आपके पेटीएम का केवाईसी एक्सपायर हो रहा है और आपको उसे अपडेट करवाना पड़ेगा, और अगर आप ये अपडेट नहीं करवाएंगे तो आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा या तो बंद हो जाएगा। इसे अपडेट करने के लिए वो बंदा आपसे एक एप्लीकेशन डाउनलोड करवाएगा। उसके लिए वो आपको कहेगा कि आप प्ले स्टोर पर जाइए और टीम व्यूअर नाम की एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। जैसे ही वो एप्लीकेशन डाउनलोड होगी उस पे एक आईडी लिखी होगी, वो बंदा आपसे वो आईडी मांगेगा। जैसे ही आपने वो आईडी उसको दे दी, अब वो बंदा वहां बैठे बैठे आपके पूरे मोबाइल को ऑपरेट कर पाएगा। इस टीम व्यूअर एप्लीकेशन के जरिए वो वहां बैठे बैठे आपके मोबाइल की सारी जानकारी, डिटेल्स वहां बैठे बैठे वो ऑपरेट करेगा। अब वो बंदा आपको एक रुपया ट्रांसफर करने को बोलेगा। जैसे ही आप एक रुपया डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से ट्रांसफर करेंगे, उस दरमियान आपके डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड की पूरी डिटेल, उसका नंबर, उसका सीवीवी नंबर और आपका कोड भी वो आपके स्क्रीन से चुरा लेगा। ऐसा समझो कि उसने आपके मोबाइल को हैक कर दिया है। आपके स्क्रीन से वो सारी डिटेल को चुरा लेगा। जैसे ही आप एक रुपए का ट्रांजेक्शन कंप्लीट करोगे, आपकी डिटेल के माध्यम से वो आपके ही अकाउंट से हजारों रुपए का ट्रांसफर कर देगा। आप सोचेंगे कि बिना किसी ओटीपी के, आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगा और वो ओटीपी आप उसको नहीं देंगे फिर भी उसको मिल जाएगा, क्योंकि आपकी स्क्रीन उसे भी दिख रही है, वो वहां बैठे बैठे आपके मोबाइल को ऑपरेट कर रहा है। आपकी स्क्रीन पे आया हुआ ओटीपी वो ले लेगा और उसी से वो ट्रांसफर भी कर देगा। और जब थोड़ी देर बाद आपको बैंक से मैसेज आएगा, तब आपको ये पता चलेगा कि आपके अकाउंट से तो बहुत सारे रुपए ट्रांसफर हो गए हैं। फ्रेंड्स, जब आप बैंक में जाएंगे और ये पता लगाने की कोशिश करेंगे इसके अकाउंट में ट्रांसफर हुआ, तो फ्रेंड्स आप ये भी पता नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि पेटीएम से हो रहे ट्रांजेक्शन का सिर्फ एक रेफरेंस नंबर ही जनरेट होता है और कुछ नहीं। इसलिए बैंक के पास सिर्फ एक रेफरेंस नंबर होगा कि पेटीएम से आपने ये ट्रांजेक्शन किया, मगर ये किसके खाते में गया उसकी कोई डिटेल बैंक के पास नहीं होती है। इसलिए उस रेफरेंस नंबर से हम कभी भी ये ढूंढ नहीं पाएंगे कि ये पैसा किसके अकाउंट में गया। इसलिए अगर एक बार ट्रांसफर हो गया फिर वो वापस नहीं आएगा। इसलिए फ्रेंड्स हमेशा ये ध्यान रखिए कि अगर कोई पेटीएम केवाईसी के बहाने से कोई भी फर्जी कॉल आता है, अगर आपको किसी भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करने को बोल रहे हैं, तो प्लीज कभी भी किसी भी ऐसी एप्लीकेशन को डाउनलोड मत कीजिए। अपने फोन का एक्सेस किसी और को मत दीजिए ताकि वो बंदा वहां बैठे बैठे आपके फोन को एक्सेस कर सके और आपकी पूरी डिटेल ले सके। फ्रेंड्स,
अगर ये वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर पहली बार देख रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना। फिर मिलेंगे ऐसी ही कोई नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए प्रणाम।